वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस आपने पढ़ा। एबनॉर्मल लॉस क्या था? जब हमारी एक्चुअल आउटपुट कम थी एक्सपेक्टेड आउटपुट से, तो वो जो डिफरेंस था वो था एबनॉर्मल लॉस। यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। जो हमारा एबनॉर्मल गेन है वो बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस के। तो हमारा एबनॉर्मल गेन होता क्या है? जब हमारी एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होती है एक्सपेक्टेड आउटपुट से, जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारा एबनॉर्मल गेन। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें देखना होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कैसे निकल कर आती है। तो जितनी यूनिट हमने लगाई होती हैं उसमें से नॉर्मल लॉस जब हम लेस कर देते हैं तो हमारा क्या बचता है? हमारा बचता है नॉर्मल आउटपुट। फिर हम नॉर्मल आउटपुट को कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल आउटपुट से। अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट हमारी नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा आए तो वो क्या हो जाता है हमारा? क्या हो जाता है हमारा? एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। कैसे? क्या बताया मैंने कि हमारी जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, वो किससे ज़्यादा होगी? वो हमारी ज़्यादा होगी किससे? हमारी नॉर्मल आउटपुट से। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि ये नॉर्मल आउटपुट कैसे निकल कर आई? मैंने आपको बताया, जितनी हमने यूनिट इंट्रोड्यूस की उसमें से जब हम अपना नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो हमारा बचता है नॉर्मल आउटपुट। इतना क्लियर हुआ? अब मुझे ये बताओ कि जो हमारा एबनॉर्मल गेन है वो किस किस वजह से हो सकता है? कई रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या? कि हमारी एफिशिएंट वर्कर्स हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से काम करें, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, हमारा जो स्टाफ है वो सेटिस्फाई हो सकता है और वर्कर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं ड्यू टू रिकॉग्निशन के, हम उन्हें बहुत अच्छी रिकॉग्निशन देते हैं, मोटिवेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एनर्जेटिक और यंगर स्टाफ होता है। तो क्या होता है, जनरली हमारी जो नॉर्मल आउटपुट है वो हमारी एक्चुअल आउटपुट से ज़्यादा निकल कर आ जाती है। इतना क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल में समझाऊंगी आपको क्या है। देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया गया, 3000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी गई। किस रेट के अकॉर्डिंग? 9 per unit के अकॉर्डिंग। क्लियर है? कितनी यूनिट लगाई है हमने? 3000। किस रेट पर लगाई है? 9 rupees के हिसाब से। नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। कैलकुलेट करो कि हमारी नॉर्मल आउटपुट कितनी आएगी। 3000 का 10% निकालेंगे कितना होगा? 300। देखो, नॉर्मल यूनिट इंट्रोड्यूस 3000 यूनिट, नॉर्मल लॉस किसका? 3000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे जो कि कितना आएगा? 300। नॉर्मल आउटपुट क्या कैसे आई हमारी? जितनी हमने यूनिट इंट्रोड्यूस की थी उसमें से हमने नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है तो हमारा क्या निकल कर आएगा? नॉर्मल आउटपुट। इतना क्लियर हुआ कि नॉर्मल यूनिट जितनी हमने इंट्रोड्यूस की, 3000 यूनिट इंट्रोड्यूस की, 10% का हमारा नॉर्मल लॉस हुआ तो नॉर्मल आउटपुट हमारी कितनी बची? 2700 यूनिट। इतना क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन में बोला गया है जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितनी है? 2820 यूनिट। हमारी कितनी है नॉर्मल आउटपुट? 2700 यूनिट। मतलब हमने कंपेयर किसे करना है? एक्चुअल आउटपुट को नॉर्मल आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट बोल सकते हैं। अब हमारी एक्चुअल आउटपुट तो नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा आ गई। ज़्यादा आने का क्या मतलब हुआ? कि हमें गेन हुआ है। कौन सा गेन हुआ है? एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। कैसे कैलकुलेट होगा? हमारी यूनिट्स कितनी हैं? 2820 और हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना है? 2700। दोनों को लेस किया, माइनस किया 2820 में से 2700, तो हमारे एबनॉर्मल गेन की यूनिट आ गई 120 यूनिट। इतना क्लियर हुआ? हमारा एबनॉर्मल गेन कितना आ गया? कैसे निकाला? 2820 माइनस 2700 यूनिट। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमने क्या करना था कि अब हमारा ये तो निकल कर आ गया कि एबनॉर्मल गेन हमारा कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब हम इसके बाद निकालेंगे 120 यूनिट हमारी नॉर्मल
किसकी आ गई, एबनॉर्मल गेन की। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। वो कैसे निकल कर आएगा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल गेन इन यूनिट। ठीक है, क्या है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल गेन इन यूनिट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। देखिए, हमने 3000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी जिसका एक यूनिट का रेट है 9 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 27000 यूनिट। माइनस हमें क्या करना होगा, जिस रेट पर हमने अपनी नॉर्मल लॉस की यूनिट सेल करी, हमने किस रेट पर, देखिए प्रीवियस स्लाइड में कि हमने क्या किया, 3 पर यूनिट के हिसाब से वो यूनिट सेल करी, तो हमारा क्या हो गया 27000 माइनस 900 जो कि हमारा आ गया 26100। तो हमारा एबनॉर्मल गेन कितना आ गया, सो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू जितना हमारा ये 26100 है डिवाइड हम किससे करेंगे 2700। 27 क्या है, हमारी नॉर्मल आउटपुट, वही है जो बिल्कुल हमने एबनॉर्मल लॉस के केस में कि हमने क्या किया, अपना नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट को डिवाइड किया किससे, नॉर्मल आउटपुट से, और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे एबनॉर्मल गेन से, तो कितना आ गया 1160। अब हम यही मानकर चलते हैं कि जो हमारा एबनॉर्मल गेन है वो हमारा किस पर सेल हुआ होगा, वो भी हमारा उसी यूनिट पर सेल हुआ है जिस रेट पर हमने क्या किया है सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, देखो हमारा कितनी यूनिट आई है, एक्चुअल जो हमारी एबनॉर्मल गेन की आई है 120 इंटू 360, उसे लेस कर दो तो गेन ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन हम क्या निकाल कर ले लेते हैं 800 यूनिट। आई होप आपको क्लियर होगा। और ये टॉपिक्स मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ मेरा चैप्टर ख़त्म होता है, पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सो मच।